friends, welcome back to the other 167. This is Jasmine. I greet you all in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. The word for today is Mat Dar, means don't be afraid. I welcome Mrs. Vandana Sengupta, who is the founder of Viva Voice Academy, to present the word of God. Let's tune to it. Welcome back to the other 167. Main Vandana, and I bring you greetings in the mighty name of Jesus Christ, our true living God. So friends, I hope you all are fine and praying. बहुत ज़्यादा डर का माहौल है, काफ़ी एंग्जाइटी डिप्रेशन लोगों में है और एक अजीब सा एक माहौल है. बट यू नो व्हाट द गुड न्यूज इज, वी हैव अ ग्रेट होप इन आवर लॉर्ड. और खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता है और ना ही कभी हमें लज्जित वज्जित नहीं देता. आज का ये खास मैसेज द अदर 167 में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, खास अपने उन दोस्तों के लिए, उन ब्रदर सिस्टर्स के लिए जो इस वक्त एक इनसिक्योरिटी, डर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन तरह की चीजों से जूझ रहे हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई प्रे टू गॉड कि ये मैसेज आपकी जिंदगी में बदलाव लाए. तो चलिए देखते हैं खुदा क्या कहता है इस परिस्थिति के लिए. एक वर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो हम में से सभी जानते हैं इस वर्स को, पर क्योंकि हर बार एक नई बात खुदा हमसे. यशाया की किताब अगर आप निकालें, उसका 41 चैप्टर एंड वर्स 10, वहां खुदा क्या कहता है. पहली चीज, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं. इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं. मैं तेरी सहायता करूंगा, तुझे दृढ़ करूंगा और तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा. बस हमें इसके खुदा के इस वादे पर यकीन करने की जरूरत, भरोसा करने की जरूरत. खुदा कहता है कि मैं तेरे संग हूं. वो एक्चुअली में इस वक्त मेरे और आपके साथ है. ऐसा खुदा जो सेनाओं का यहोवा है, इस दुनिया का सृष्टि करता है, हमारा बनाने वाला है, कितनी ताकत रखता है वो सोचिए. और वो कहता है कि वो आपके संग है. He is with you. सोचिए कितनी बड़ी बात है. आज आप अपने घरों में शायद अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, पेरेंट्स के साथ हैं, ब्रदर सिस्टर्स के साथ हैं. कोई आपके संग होता है तो आपको एक सपोर्ट मिलती है कि चलो वो मेरे संग है. और यहाँ तो खुदा कहता है कि वो तुम्हारे संग है, वो मेरे संग है. कितनी बड़ी बात है. और वो क्या कहता है कि वो तुझे दृढ़ करेगा, तेरी सहायता करेगा. ऑल यू नीड टू डू इज ट्रस्ट दिस प्रॉमिस ऑफ गॉड. और क्या कहता है कि मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रखूं. कितनी बड़ी पावर है राइट हैंड ऑफ लॉर्ड. आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते उसकी कितनी ताकत है उस हाथ में जो खुदा कहता है मैं अपने दाहिने हाथ से. राइट हैंड, राइट हैंड इज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, पावर. वेयर इज सन सिटिंग ऑन द राइट हैंड ऑफ द फादर. इतनी बड़ी वो हमें पोजीशन देना चाहता है. सो आर यू रेडी? सो मत डर, प्लीज डोंट बी अफ्रेड, बिकॉज ही इज विथ यू. वो आपके साथ है, मेरे साथ है, साथ है या संग. परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता. यू कैन ट्रस्ट हिम, ही इज ट्रस्टवर्थी. इसके बाद आपको क्या करना है, आप निकालिए मेरे साथ भजन संहिता 23 वर्स 4. वहां आपको एक डिसीजन लेना है. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर तो मेरे साथ रहता है. यहां पर आपने भरोसा कर लिया है और अब आप कह रहे हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर तो मेरे साथ रहता है. कितनी बड़ी घोर अंधकार से भरी, इनसिक्योरिटी से भरी हुई तराई, डर से, फाइनेंसिस की, बीमारी की, लाचारी की, कितनी सारी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कितनी सारी घोर अंधकार की तराइयां हैं. पर मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर तो मेरे साथ है, तुमने वादा किया है मैं नहीं डरूंगा. हाउ ग्रेट इज आवर लॉर्ड.
और अगर फिर भी डर लगे, अब आइए मेरे साथ भजन संहिता निकालिए 56:3। जिस वक्त मुझे डर लगेगा, अगर आपको डर लगे, जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं यहोवा पर भरोसा करूंगा। हर चीज का सलूशन खुदा हमें दे रहा है, देता चला जा रहा है, क्योंकि वो चाहता है हम ना डरे, और हमें डरने की जरूरत भी नहीं क्योंकि वो हमारे संग है। बिलीव दिस माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव करिए, विश्वास करिए इसमें। जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं यहोवा पर विश्वास करूंगा, उस पर भरोसा करूंगा। आपको लगता है भरोसे में कमी आ रही है, आपके पास भरोसा नहीं, मांगे खुदा से, खुदा मुझे इतनी ताकत दे, सामर्थ्य कि मैं तुझ पर भरोसा कर सकूं। राइट माय फेथ लॉर्ड, मेरे फेथ को, मेरे ट्रस्ट को, मेरे भरोसे को तू मजबूत कर खुदा। इजंट इट कितनी कंफर्ट देने वाली बात है, कितनी अच्छी बात है कि खुदा हमारे संग है। इतना बड़ा खुदा, इस दुनिया को बनाने वाला, उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वो हमारे संग है। व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, व्हाट अ ग्रेट थिंग, इजंट इट। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, ये सारे बोझ, वो तो कह ही रहा है कि बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। कम टू द लॉर्ड, टर्न टू द लॉर्ड माई डियर फ्रेंड्स, उसकी तरफ फिरिए, उससे लिपटे रहिए, प्रार्थना करिए, गुनाहों की माफी मांगी। खुदा बहुत अच्छा है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तो क्या कहता है खुदा, देख खुदा क्या कहता है, संग तेरे वो रहता है। देख खुदा क्या कहता है, संग तेरे वो रहता है। इधर उधर मत ताकरे, इधर उधर मत ताकरे, इधर उधर मत ताकरे, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, दृढ़ तुझे मैं करता हूँ, संग तेरे मैं रहता हूँ। So, may God bless you, my dear friends, डरने की जरूरत नहीं, ये खुदा कह रहा है खुद अपने मुंह से, मत डर, मैं तेरे संग, वो हमारे संग है, हमारी हर परिस्थिति में उसे लिपटे रहिए, उसकी स्तुति आराधना कर, प्रार्थना में लगे रहे। सो थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। इन वर्सेस को पढ़िए, बार बार पढ़िए, एंड खुदा से लिखते रहिए। एंड थैंक यू सो मच द अदर 167 से जुड़े रहने के लिए, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस को सुनने के लिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड द अदर 167 खुदा का दिया हुआ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आकर आप कभी भी खुदा के वचन को सुन सकते हैं, उसके साथ एक हो सकते हैं। So may God bless you, and may God bless you, may God bless you. Hi friends, hope you are blessed by the word. Yes, fear is unavoidable in today's world. But if we keep our trust in God, He will deliver us from all evil. With that note, I'm signing off. Like the video and share the video. Subscribe our channel and don't forget to hit the bell button. And do write to us if you have any queries, and follow us in Facebook and Instagram. God bless you. Shalom.